नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू जी चिल्स। आइए इस रिपोर्ट को देखते हैं। आज की प्रमुख सुर्खियां। भारत के बजट में अफगानिस्तान के लिए बहुत बड़ा पैकेज घोषित, जश्न में डूब जाएगा तालिबान। आखिर इस बार के बजट में विदेश मंत्री एस जयशंकर जी के मंत्रालय को कितना करोड़ मिला है? बजट में नेपाल और भूटान को इतना ज्यादा पैकेज क्यों दिया गया है? बजट में भारत ने मालदीव को दिया तगड़ा पनिशमेंट, रोने लगे मोइजू। बजट में भारत ने बांग्लादेश को दिया पैकेज तो मिल गया रिटर्न गिफ्ट। भारत के बजट से पाकिस्तान को छोड़ ईरान तालिबान सब खुश। बांग्लादेश में 180 लोगों के मारे जाने के बाद ममता बनर्जी के नए ऐलान से मचा बवाल। जी चिल्स ग्लोबल समाचार में आप सभी का स्वागत है। शुरुआती हेडलाइंस के सभी खबरों को डिस्कस करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लाइक और कमेंट के लिए दिल से शुक्रिया। दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया है। ये उनका लगातार सातवां बजट है, जिससे वे ऐसा करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री बन गई हैं। पड़ोसी देशों के लिए फंडिंग। इस बजट में भारत ने अपने पड़ोसी देशों के लिए भी अच्छा खासा पैसा रखा है। इस बार के बजट में विदेश मंत्रालय को 22,154 करोड़ रुपए मिले हैं, जो पिछले साल से 24% कम है। पिछले साल ये राशि 29,121 करोड़ रुपए थी, जिसमें इस बार 6,967 करोड़ की कटौती की गई है। नेबर्स फर्स्ट पॉलिसी और सागर मिशन के तहत भारत के पड़ोसी और मित्र देशों को आर्थिक मदद के लिए राशि आवंटित की गई है। अफगानिस्तान में तालिबान शासन के लिए 200 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जो लगभग पिछले साल के बराबर हैं। तालिबान को फंडिंग करके भारत क्षेत्रीय स्थिरता और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सहयोग करता है। पिछली बार भी जब बजट में तालिबान को पैकेज दिया गया तो तालिबान ने पूरे जोर जोर के साथ थैंक यू कहा था, और इस बार भी देर सबेर वो थैंक यू जरूर बोलेंगे, क्योंकि तालिबान के लिए 200 करोड़ रुपए काफ़ी मायने रखता है। ये देश कई समस्याओं से जूझ रहा है, ऐसे में 200 करोड़ रुपए अफगानिस्तान के लिए संजीवनी से कम नहीं है। तालिबान की तरफ से जैसे ही कोई अपडेट आएगा उसकी जानकारी हम आपको देंगे। भूटान को 2,068 करोड़ रुपए दिए गए हैं। भूटान को इतना ज्यादा पैसा देने का कारण ऐतिहासिक मित्रता, जल विद्युत परियोजनाओं और सुरक्षा संबंधी क्षेत्र में सहयोग करना है। नेपाल को 700 करोड़ रुपए मिले हैं। नेपाल को इतना ज्यादा रुपए देने का कारण सीमा सुरक्षा, जल संसाधनों का साझा उपयोग और सांस्कृतिक संबंध हैं। भूटान और नेपाल, ये दोनों देश भारत और चीन के बीच में मौजूद हैं। भारत इन दोनों देशों को फंडिंग इसलिए देता है ताकि ये चीन के कर जाल में ना फंस जाएं, क्योंकि अगर ये दोनों चीन के चंगुल में फंस गए तो भारत की बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। मालदीव को 400 करोड़ रुपए दिए गए हैं। मालदीव आजकल चीन के प्रभाव में जा रहा है, इससे बचने के लिए भारत उसे फंडिंग देता है। इसके अलावा समुद्री सुरक्षा, पर्यटन और क्षेत्रीय प्रभाव संतुलन बनाने के लिए भी भारत उसे फंडिंग देता है। मॉरिशस 370 करोड़ रुपए मिले हैं। मॉरिशस को पैसे देने के पीछे सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंध के साथ व्यापार और निवेश के अवसर हैं। कई लोगों का मानना है कि गौतम अडानी की कंपनियां मॉरिशस में रजिस्टर्ड हैं, इसलिए भारत सरकार मॉरिशस पर मेहरबान रहती है। श्रीलंका को 245 करोड़ रुपए दिए गए हैं। श्रीलंका अब चीन के कर जाल से बाहर आ रहा है, इसलिए भारत उसे मदद कर रहा है ताकि वो दोबारा चीन के चक्कर में ना फंस जाए। इसके अलावा क्षेत्रीय स्थिरता, तमिल शरणार्थी मुद्दा और व्यापारिक संबंध के लिए भी भारत श्रीलंका में खर्च करता है। म्यांमार को 250 करोड़ रुपए दिए गए हैं। यहाँ रणनीतिक, भू राजनीतिक स्थिति, सुरक्षा सहयोग और व्यापार पर फोकस है। अफ्रीकन देशों को 200 करोड़ रुपए, यहाँ ऊर्जा और खनिज संसाधनों में निवेश और व्यापारिक अवसर पर फोकस किया गया। अन्य विकासशील देशों को 125 करोड़ रुपए दिए गए हैं। विकासशील देशों में कूटनीति और व्यापारिक संबंध को बढ़ावा। बांग्लादेश को 120 करोड़ रुपए दिए गए हैं। बांग्लादेश ने तो हाल ही में अपना एक बेहद महत्वपूर्ण पोर्ट चीन से छीनकर भारत को सौंप दिया है। भारत को मिला बांग्लादेश के मोंगला बंदरगाह का टर्मिनल। चीन भी कर रहा था कोशिश। इसके अलावा व्यापार, जल संसाधनों का साझा उपयोग और सीमा सुरक्षा पर भी बांग्लादेश में भारत का फोकस रहता है। चाबहार पोर्ट पर 100 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। मध्य एशिया तक व्यापार मार्ग, अफगानिस्तान के लिए वैकल्पिक मार्ग, ईरान और भारत के इस पोर्ट से तालिबान को भी जबरदस्त फायदा होने वाला है। लैटिन अमेरिकी देशों को 30 करोड़ रुपए दिए गए हैं व्यापार अवसर और कूटनीतिक संबंधों के लिए। यूरेशियन देशों को 20 करोड़ रुपए दिए गए हैं व्यापारिक विस्तार और भू राजनीतिक संतुलन बनाए रखने के लिए। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि पहले के मुकाबले किस देश को ज्यादा और कम पैकेज मिला है। भूटान को 2,068 करोड़ रुपए, जो कि पिछले साल से 400 करोड़ कम है। नेपाल को 700 करोड़, जो 50 करोड़ की बढ़ोतरी है।
श्रीलंका को 245 करोड़ जिसमें कि 4 गुना की बढ़ोतरी है और मालदीव्स को 400 करोड़ रुपए जिसमें कि 370 करोड़ की कटौती है। माना जा रहा है कि भारत सरकार ने मालदीव को पनिशमेंट देते हुए सबक सिखाया है ताकि वो चीन के चंगुल से बाहर निकले। मालदीव को पिछले साल 770 करोड़ रुपए मिले थे लेकिन इस साल इसे घटाकर 400 करोड़ कर दिया गया है। मालदीव में पिछले साल नवंबर में इंडिया आउट कैंपेन चलाने वाले मोहम्मद मोइजो की सरकार आने के बाद से दोनों देशों में तनाव है। मोइजो ने भारतीय सैनिकों को मालदीव से निकालने की घोषणा की थी और इस साल मई में सभी 88 सैनिक भारत लौट आए थे। इसके अलावा 4 जनवरी को पीएम मोदी के लक्षद्वीप दौरे के बाद मालदीव के मंत्रियों ने मोदी जी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इस विवाद के बाद भारत से मालदीव जाने वाले पर्यटकों की संख्या में बड़ी गिरावट आई। राष्ट्रपति मोइजो ने भारत के साथ हाइड्रोग्राफिक सर्वे एग्रीमेंट भी खत्म कर दिया। इसी कारण मोदी सरकार ने अपने बजट में इस बार मालदीव को तगड़ा सबक सिखाया है। एक और ध्यान देने वाली बात यह है कि चाबहार पोर्ट पर 100 करोड़ रुपए खर्च होने जा रहे हैं। इस अमाउंट को देखकर पाकिस्तान और चीन दोनों रोने लगेंगे। भारत ने चाबहार पोर्ट के लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। 13 मई को भारत और ईरान के बीच एक डील हुई थी जिसमें भारत ने चाबहार पोर्ट में शाहिद बेहिश्ती पोर्ट को 10 साल के लिए लीज पर लिया। अब पोर्ट का पूरा मैनेजमेंट भारत के पास होगा। भारत और ईरान 2 दशक से चाबहार पर काम कर रहे हैं। भारत इस पोर्ट की मदद से ईरान, अफगानिस्तान, आर्मेनिया, अजरबैजान, रूस, मध्य एशिया और यूरोप के साथ सीधे व्यापार कर सकता है। चाबहार पोर्ट पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट की तुलना में भारत के रणनीतिक पोर्ट के तौर पर देखा जा रहा है। ये पोर्ट अफगानिस्तान को माल भेजने का सबसे अच्छा रास्ता है। भारत अफगानिस्तान को गेहूं भी इसी रास्ते से भेज रहा है। इसके अलावा ये पोर्ट भारत के लिए मध्य एशियाई देशों के भी रास्ते खोलेगा जिससे गैस और तेल भी लाया जा सकता है। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, जागरूक रहें और सुरक्षित रहें। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान पर बांग्लादेश सरकार ने 23 जुलाई की देर रात आपत्ति जताई। ममता ने 21 जुलाई को टीएमसी की शहीद दिवस रैली में कहा था कि वे बांग्लादेश में संकट में फंसे लोगों को शरण देंगी और उनके राज्य के दरवाजे खुले हैं। बांग्लादेश के विदेश मंत्री हसन महमूद ने ममता बनर्जी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनके बयान में भ्रम की गुंजाइश है जिससे गलतफहमी हो सकती है। ममता बनर्जी ने कहा था कि वे बांग्लादेश में संकट में फंसे लोगों को शरण देने के लिए अपने राज्य के दरवाजे खुले रखेंगी। इस पर हसन महमूद ने कहा कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के प्रति उनका पूरा सम्मान है लेकिन उनके बयान से बांग्लादेश के लोगों में गलतफहमी हो सकती है। उन्होंने ये भी बताया कि इस मामले में उन्होंने भारत सरकार को एक आधिकारिक नोट भेजा है। इस नोट में उन्होंने भारत सरकार से ममता बनर्जी के बयान पर स्पष्टीकरण मांगा है। उनका कहना है कि ऐसे बयान से दोनों देशों के बीच गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं, इसलिए इस मुद्दे पर स्पष्टता आवश्यक है। बांग्लादेश में नौकरियों में आरक्षण को लेकर हुए हिंसक प्रदर्शनों में 180 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और 2580 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कर्फ्यू, सेना तैनाती और गोली मारने के आदेश का बचाव किया है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने ममता बनर्जी से उनके बयान पर रिपोर्ट मांगी है क्योंकि विदेश मामलों को संभालना केंद्र का विशेषाधिकार है। उधर यूएई में 57 बांग्लादेशियों को जेल भेजा गया, 3 को उम्र कैद, 53 को 10 साल की जेल। बांग्लादेशी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया, दंगा भड़काया था। दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस तरह की डेली वीडियो कंटिन्यू रखने के लिए हमें आपके समर्थन की जरूरत है। कृपया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और उम्मीद है कि आप इस वीडियो पर कम से कम 1000 लाइक्स देंगे। पिछले वीडियो पर आप सभी का रिस्पॉन्स काफी अच्छा था। आप देख रहे थे जी चिल्स। जल्द पूरे होंगे आपके सारे विल्स।